कोई एबसेंट हुआ तो क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो फीस कलेक्शन ऑटोमेटिक मार्केटिंग कैसे करेंगे टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना टीचमेंट अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर चाहे जैसी भी जरूरत हो टीचमेंट पे टीचिंग आसान है आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट इंडिया का नंबर टीचिंग ऐप। नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्टेडिया स्वागत है आज आपके लिए टेक्निकल हेल्पर भर्ती 2021 को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट है दोस्तों जैसा कि सरकार ने पहले घोषणा की थी पदों पर छः हजार पर यहाँ पर भर्ती नहीं करके यहाँ पर दोस्तों इन्होंने अभी जो है वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है पंद्रह सौ बारह पदों पर भर्ती होगी महत्वपूर्ण अपडेट है जे में जो है टेक्निकल हेल्पर की पंद्रह सौ बारह पदों पर भर्ती की जाएगी आईटीआई आई पास वाले विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी देख सकते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी विद्यार्थियों के लिए पूरी जानकारी आपको बताऊँगा और क्या क्या अपडेट है तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे यह है भर्ती का पूरा मामला चलिए पूरी जानकारी आप लोगों को बता देता हूँ क्या है पूरा मामला आपके सामने ये देख रहे होंगे यहाँ पर अपडेट है उपेन्न यादव जी ने अभी हाल ही में अपडेट दिया है कि बजट में टेक्निकल हेल्पर के छः हजार पदों की घोषणा की गई थी लेकिन वार्ता के में पद रिक्त नहीं होने का बताकर यहाँ पर भर्ती निकालने के लिए साफ मना कर दिया गया है तो यहाँ पर साफ मना कर दिया था परंतु यहाँ पर अशोक गहलोत जी की संवेदनशीलता के चलते टेक्निकल हेल्प पर भर्ती निकालने की स्वीकृति दी गई है पंद्रह सौ बारह पदों पर, पदो पर वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है तो पंद्रह सौ बारह पदों पर भर्ती की जाएगी महत्वपूर्ण तो अपडेट है छः हजार पदों पर भर्ती नहीं करके पंद्रह सौ बारह पदों पर भर्ती की जाएगी और क्या लिखा है यहाँ पर उपेन्न यादव जी ने देख सकते हैं पंद्रह सौ बारह पदों पर टेक्निकल हेल्पर की भर्ती की वित्तीय स्वीकृति मिली है जो पदों की संख्या बहुत कम है और वर्तमान में विभाग में पाँच हज़ार तीन सौ से ज़्यादा टेक्निकल हेल्पर के रिक्त पदों की संख्या है माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से निवेदन है कि पदों की, पदो की संख्या बढ़ाकर कम से कम पाँच हज़ार की जाए क्योंकि जो आईटीआई के बेरोजगार हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है इसको देखते हुए सरकार को पदों की संख्या बढ़ानी चाहिए और जल्दी से जल्दी आप वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है जल्दी से जल्दी आप नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए ये हमारी जो है सरकार से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी जो है क्या करें भर्ती की विज्ञप्ति जारी करें फॉरम शुरू करें ताकि जो है युवाओं को रोज़गार मिल सके पढ़ने का तो कम से कम बाद में देखी जाएगी एग्ज़ाम कब होगा पर और आपका रिज़ल्ट कब आएगा और ज्वाइनिंग कब मिलेगी ये सब बात की बात है परंतु अभी जल्दी से जल्दी ऑनलाइन फॉरम करवा दो फटाफट से इन युवाओं को जरूरत है इस वैकेंसी की जो कि देख सकते हैं यहां पर अभी हाल ही की अपडेट है महत्वपूर्ण उनचास मिनट पहले की फटाफट से खबर को शेयर कर दो ताकि आई आई युवाओं में जो है जोश जुनून आ सके धन्यवाद